नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M3 Pro 5G वर्सेस iQOO Z6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M3 Pro 5G में 6.37 इंच जबकि iQOO Z6 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो M3 Pro 5G में 2.96 इंच जबकि iQOO Z6 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो M3 Pro 5G में 0.35 इंच जबकि iQOO Z6 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M3 Pro 5G में 190 ग्राम्स जबकि iQOO Z6 5G में 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M3 Pro 5G में 6.5 इंचेस जबकि iQOO Z6 5G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M3 Pro 5G में 1080x2400 और iQOO Z6 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M3 Pro 5G में 83.72% जबकि iQOO Z6 5G में 84.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M3 Pro 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि iQOO Z6 5G में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M3 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और iQOO Z6 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो M3 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iQOO Z6 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M3 Pro 5G में Mali G57 MC2 जबकि iQOO Z6 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M3 Pro 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और iQOO Z6 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो M3 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M3 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 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 स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो M3 Pro 5G में Android V11 जबकि iQOO Z6 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो M3 Pro 5G में 3 कलर्स जबकि iQOO Z6 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
M3 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹15,990, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹16,499 में मिल जाता है। वही अगर बात करें iQOO Z6 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹15,499, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹16,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹17,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Poco M3 Pro 5G में तीन फायदे और तीन नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें iQOO Z6 5G की तो उसमें सात फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में iQOO Z6 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M3 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V21e 5G है, दूसरा Motorola H20 Fusion है, तीसरा iQOO Z5 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9RT है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।